नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DV ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे एग्जाम नज़दीक हैं और उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारे चैनल पे जितने भी रेलवे के पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम कराए गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि ये जो हमारी बुक है यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में जो न्यू एडिशन बुक है 2022-23, इस बुक में दोस्तों जितने भी रेलवे एग्जाम हुए हैं वो सारी एग्जामों को यहाँ पे इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आएगी, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से दोस्तों आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि सबसे पहले तो आपको ये सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत का, आज हम लोग पार्ट वन पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग एक से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो कि आरोही क्रम में है के है, यानी तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। हमको ये बात बताया गया है क्वेश्चन में, कहा गया तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं का औसत क्या बता दिया गया, के है। तो मान लीजिएगा तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक्स और एक्स प्लस वन, फिर दोस्तों एक्स प्लस टू, इनका औसत के बताया गया है। तो अगर इनका हम एवरेज निकालें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन प्लस का दोस्तों x प्लस टू अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 3 बराबर इनका एवरेज के दिया गया, तो 3k हो जाएगा। अब अगर ऊपर को हम दोस्तों x x वालों को ऐड करें तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 3 बराबर 3k। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस वन बराबर आ जाएगा k, तीन कॉमन कर लेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो x बराबर मतलब k बराबर क्या आ गया दोस्तों, x प्लस वन आ गया। तो ये तो हो गया हमारा इतना, ठीक है, इसको इक्वेशन हमने एक दे दिया। अब दूसरी बात में कहा गया कि यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब इसमें दो और नई संख्याएं ऐड कर देंगे तो मान लीजिए पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी x प्लस टू हो जाएगी, तीसरी संख्या यहाँ पे इनको प्लस कर लीजिएगा, तीसरी संख्या हमारी x प्लस क्रमागत कहा गया दोस्तों, तो यहाँ पे वन हो जाएगा x प्लस वन, फिर x प्लस टू, और फिर दोस्तों ये तीन तो थी ही थी, अब दो इसमें और जोड़ लेंगे तो x प्लस थ्री जोड़ लेंगे और x प्लस फोर जोड़ लेंगे, अपान का दोस्तों कितना हमारा हो जाएगा, कितनी टोटल संख्या हो जाएंगी, पांच संख्या हो जाएंगी, तीन पहले थी और दो अभी हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे अगर हम तो ये एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, चार एक्स, पाँच एक्स, टोटल आ गया हमारा पाँच एक्स। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो चार तीन सात दो नौ एक दस, यहाँ पे हो गया हमारा दस, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, पाँच हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या किया दोस्तों, पाँच कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस टू बचा और यहाँ पे हो गया पाँच, ये पाँच कैंसिल हो गया, x प्लस टू को दोस्तों हम लिख सकते हैं x प्लस वन लिख सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये इतना x प्लस यानी कि x प्लस टू ही है, x प्लस वन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं k, तो यहाँ पे हम रख देंगे k और आगे प्लस वन तो दिया ही है, तो कुल मिला के फाइनली दोस्तों यहाँ भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा k प्लस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो कहने को हो जाएगा तो प्राप्त होने वाला नया औसत क्या हो जाएगा, k प्लस वन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा वन का b के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये माध्य कह दे तो वही बात निकालनी होती है, औसत कह दे तो वही बात निकालनी होती है। आप जानते हैं दोस्तों औसत बराबर होता है क्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो वही चीज हो गई दोस्तों हमारी माध्य के लिए भी। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या एक शब्द कहा गया कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 प्राकृतिक संख्या अगर आप लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये पहली 10 प्राकृतिक क्या हो गई दोस्तों, हमारी संख्याएं हो गई। इनका सबका हमको क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है। इनके वर्गों के माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गों का माध्य कहा है दोस्तों, तो चाहे आप बताएं मैंने माध्य शब्द कह देंगे या एवरेज शब्द कह देंगे, लेकिन वर्गों का कहा गया। जब दोस्तों वर्गों का माध्य कह दिया जाए या वर्गों का औसत कह दिया जाए तो फार्मूला ये होता है एन बाई सिक्स, फिर यहाँ पे एन प्लस वन और ब्रैकेट में 2n+1। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे इनको पुट करना है। n की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया, 10 प्राकृतिक संख्याओं, तो प्राकृतिक संख्या यानी कि 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, अपान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा 10+1 और यहाँ पे 10 × 20 21 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने रख दिया। अब अगर इसको कट करें तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फाइनली आ जाएगा हमारा 5 × 10 = 11 × 21 बटे हो जाएगा हमारा 3, 3 × 21 हमारा 7 बार में कट जाएगा, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 55 × दोस्तों कितना बन जाएगा हमारा, 7 बन जाएगा, 55 × 7। फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 35 = 5 हासिल लग गया दोस्तों हमारा, 3 × 7 = 35 = 3 हो जाएगा हमारा 38, 385 हो गया, ये इतना हो गया 385। अब अगर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे तो हमने क्या किया था, 385 रख दिया, इतना रख देंगे तो भी हमारा ये आंसर कौन सा मैच कर रहा, देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों कहा गया है, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी हमारी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 × 3 = 7 हो गया, 13 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद दोस्तों हमारा 17 हो जाएगा, 17 × 3 = 6, 3 × 9 और 17 के बाद हो जाएगा 19 हो जाएगा। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 10 हमने विषम प्राकृतिक संख्या ले लिया, देख लीजिए दोस्तों 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब कह रहा है इनका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन सबका योग बटे टोटल पदों का भाग दे देंगे। तो अब दोस्तों इनका योग या तो आप कर लीजिए या तो फिर एक योग करने के लिए फार्मूला ये होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a+l। ये तो क्या होता है, ये योग निकालने का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, यानी इन सारे पदों का योग निकालने के लिए। n हमारा कितना दिया गया दोस्तों, n हमारा 10 दिया गया है, बटे 2 हो जाएगा, a हमारा 1 दिया गया है और l हमारा 19 दिया गया है। तो अब दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो 2 × 5 = 10 यहाँ पे 5 आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा, 9 × 1 कितना हो, 19 × 1 = 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अब 20 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 5 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा योग। अभी हमको निकालना क्या है दोस्तों, माध्य निकालना है, माध्य या फिर दोस्तों एवरेज कह सकते हैं। तो एवरेज जो है कितना हो जाएगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग हमारा 100 आया है, अपान का दोस्तों हो जाएगा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 10 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो माध्य आ गया दोस्तों हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 3 का B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं भाज्य
प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य प्राकृतिक, और यहाँ पे संख्याएं हो जाएंगी हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी वो देख लीजिएगा। पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा 4, 6, 8, और 4, 6, 8, 9, फिर दोस्तों 10, 10 के बाद हमारा 12, 12 के बाद दोस्तों हमारा 14, 14 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 15, ये हो गई हमारी 8 हो गई, 3, 3, 6, 2, 8 हो गई। अब कहा गया है इनका माध्य, तो माध्य के लिए फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, इन सबका योग। तो योग अगर आप दोस्तों करेंगे तो देख लीजिए, डायरेक्टली योग कर दे रहा हूँ, 15, 14 जोड़ेंगे तो 29, 29 से 30, 30, 10 हो जाएगा 40, 1, 41, 41, 10, 51, 51, 9 हो जाएगा 60, 60, 8, 68, 68, 6, 74, 74, 4 हो जाएगा हमारा 78, तो 78 बटे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा। अब कहा गया है कि पहली 8 अभाज्य संख्याओं का अंतर, तो अभाज्य अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अभाज्य, अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृतिक संख्या वो भी कितनी 8। तो यहाँ पे हमने ये 8 समझ लिख दिया छोटा सा, और यहाँ भी 8 लिख दिया, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि दोस्तों 8 संख्या लिखनी है हमको। तो अब दोस्तों पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्या अगर आप लिखेंगे तो ये सबसे पहले देख लीजिए हो जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हमारा दोस्तों हो जाएगा 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद दोस्तों भी एक और ले लेंगे 19। अब देखिए 3, 3, 6, 2, 8 हो गए। अब इनका अगर हम योग करें यानी कि इनका माध्य निकालें दोस्तों, तो इनका माध्य हो जाएगा 19 और 13 और 17 हमारा हो जाएगा 30, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 10, 60, 60, 67, 65 हो जाएगा हमारा 72, 72, 3, 75, 75, 76, 77, तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 77, 77 बटे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब दोस्तों इनका अंतर पूछा है तो हम इनका अंतर लिखेंगे, अंतर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया 78/8 माइनस का 77/ दोस्तों हो जाएगा 8, घटाएंगे दोस्तों तो फाइनली 1/8 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा राइट आंसर, देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 का D के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2 और x-3 और x-4 का माध्य 20 है, तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। हमको माध्य यहाँ पे बताया गया दोस्तों 20 है, और पांच संख्याएं बताई गई हैं x और x-1, फिर दोस्तों x-2, फिर x-3 और फिर x-4। इनका माध्य कितना बता दिया गया दोस्तों, ये 5 प्रेक्षण है, इनका माध्य 20 बताया गया है। अब अगर इनको हल करें तो ये हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, 5x माइनस का 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 अपान का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 बराबर हो जाएगा 20। तो अब अगर देखें दोस्तों तो ये हमारा 5 हमने इधर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x-2 अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो x बराबर कितना बन जाएगा हमारा 22 बन जाएगा। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, तो कह रहा है पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रेक्षण तो हमारा 1 हो जाएगा, x दिया गया है, दूसरा प्रेक्षण हमारा x-1 दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट, वो x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22 और फिर प्लस का 22-1 अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा, पहले दो प्रेक्षणों का माध्य निकालना है इसलिए यहाँ पे माध्य बराबर हम लिख देंगे बटे कितना हो जाएगा 2। अब 22, 2, 44, 44 दोस्तों एक घटा देंगे तो आ जाएगा 43/2 आ जाएगा। अब 43 को जब हम इससे कट करेंगे 2 से, तो 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 5, 10 फाइनली जो हमारा दो प्रेक्षणों का माध्य आ गया वो 21.5 आ गया, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवें के बाद छठा नंबर देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत 19.5 है, A1 बराबर 21 और A1, A2 और A3 का औसत A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2 और यहाँ पे A3, इन तीनों का जो औसत होगा वो A2 और A3 और A4 के औसत के बराबर होगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा
a2 a3 a2 a3, जब पक्षांतरों की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आया a1 बराबर a4 आ गया, a1 बराबर a4 आया। अब हमको यहाँ पे दिया है a1 का मान कितना दिया गया है, a1 का मान दिया गया है 21। तो हमने a1 का मान जब यहाँ पे 21 रखेंगे तो हमारा यहाँ से a4 की वैल्यू भी 21 ही बन जाएगी। तो ये हो गया, हमको निकालना क्या है a4 का वैल्यू निकालना है। तो a4 का वैल्यू दोस्तों हमारा क्या आ गया 21, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 6 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सातवां नंबर, और सातवां नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि पहली पाँच भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली पाँच अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। तो पाँच भाज्य संख्याएं, अगर पाँच भाज्य संख्याएं हम लिखें तो भाज्य दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, जो मतलब क्या हो, मतलब जो कट जाए। जैसे कि पहले पाँच भाज्य लिख देते हैं, चार हो गया, छः हो गया, छः के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा पाँच नहीं होगा, छः सात नहीं होगा, आठ हो जाएगा हमारा, आठ के बाद हमारा नौ हो जाएगा, नौ के बाद दोस्तों हमारा दस हो जाएगा। ये अब क्या क्या है इनका माध्य, तो अब हम पहली पांच अभाज्य संख्याओं को जब माध्य निकालेंगे दोस्तों तो छः चार दस, दस आठ अठारह, अठारह दस अट्ठाईस, अट्ठाईस में जब नौ जोड़ेंगे तो अट्ठाईस में जब नौ जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा सैंतीस, सैंतीस बटे हो जाएगा पाँच। ये आ गया हमारा पहली पाँच संख्याओं का माध्य। अब कहा गया है भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली पांच अभाज्य संख्याओं के माध्य। अब यहाँ पे लिखेंगे पांच अभाज्य संख्याएं हम लिख देंगे। अब पांच अभाज्य जब लिखेंगे दोस्तों तो पांच अभाज्य कौन कौन सी हो जाएंगी, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, सात के बाद दोस्तों हमारा ग्यारह हो जाएगा। अब अगर इनको हम ऐड करें तो ग्यारह सात हो जाएगा हमारा अठारह, अठारह दो बीस, बीस आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस बटे दोस्तों क्या कर देंगे पांच। तो अब दोस्तों अब क्या कहा है क्वेश्चन में, अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों इनका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सैंतीस बटे पाँच और यहाँ पे हो जाएगा अट्ठाईस बटे पाँच। अट्ठाईस से सैंतीस दोस्तों, अब हमारा अट्ठाईस दो तीस, तीस सात सैंतीस, यानी कि सात दो नौ, नौ बटे कितना हो जाएगा हमारा पाँच हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इसका भाग दे देंगे तो पाँच इकन्नम पाँच हो जाएगा और बचा कितना दोस्तों हमारा चार अपान अठे चालीस। फाइनली हमारा 1.8 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सात के बाद दोस्तों आठवां नंबर देखेंगे, आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन कहा गया कि प्रथम आठ विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम आठ विषम प्राकृतिक संख्याएं, अब दोस्तों प्रथम आठ विषम प्राकृतिक संख्याएं अगर हम लिखें, आठ विषम प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख दिया, आठ विषम यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं। तो अब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा आठ विषम प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या क्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे आठ विषम प्राकृतिक संख्याएं हमारी बनेंगी, सबसे पहले एक हो जाएगा, विषम प्राकृतिक कहा है तो एक के बाद दोस्तों हमारा तीन हो जाएगा, तीन के बाद पाँच हो जाएगा, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद दोस्तों हमारा तेरह, तेरह के बाद हमारा हो जाएगा पंद्रह। प्रथम आठ विषम प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख दिया। अब कह रहा है इनका माध्य ज्ञात कीजिए, दोस्तों माध्य निकालने के लिए इनको क्या करेंगे, सबको हम ऐड करेंगे, पंद्रह तीन अठारह दस अट्ठाईस, अट्ठाईस एक उनतीस, उनतीस दस उनतालीस, उनतालीस दोस्तों एक चालीस, चालीस और ये दस पचास, अब पचास नौ हमारा हो जाएगा हमारा उनचास, उनचास और उनचास एक पचास चार चौवन आया। फिर से अब दोस्तों अब चौवन को अगर हम एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, देखिएगा पंद्रह और तेरह, पंद्रह तीन अठारह, अठारह दस अट्ठाईस, अट्ठाईस में एक जोड़ेंगे तो उनतीस हो जाएगा, उनतीस दस हमारा उनतालीस हो जाएगा, उनतालीस उनतालीस दोस्तों उनतीस, पंद्रह तीन अठारह, अठारह दस अट्ठाईस, अट्ठाईस एक उनतीस, उनतीस दस उनतालीस, उनतालीस नौ, उनतालीस एक चालीस आठ अड़तालीस, अड़तालीस ये हो गया दोस्तों वहाँ पे अड़तालीस, अड़तालीस के बाद दोस्तों सात जोड़ेंगे तो अड़तालीस उनचास, पचास पाँच पचपन, पचपन पाँच साठ, साठ तीन तिरसठ एक चौंसठ, तो चौंसठ बटे हमारा आठ हो जाएगा।
अब दोस्तों आप जानते हैं तो 8864 होता है, तो एक कुल मिला के 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 के बाद दोस्तों हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है 9 नंबर में 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत कहा गया, ठीक है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याएं आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो 5 क्रमागत सम संख्याएं यहां पे हम लिखते हैं 5 क्रमागत सम संख्या। तो 5 क्रमागत सम संख्या अगर आप लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा x, फिर दूसरी हो जाएगा हमारा x प्लस 2, और फिर तीसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 4, फिर हो जाएगा हमारा x प्लस 6, फिर हो जाएगा हमारा दोस्तों x प्लस 8। ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हमने लिख लिया, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों औसत कहा, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे, x, x प्लस 2, x प्लस 4, फिर दोस्तों x प्लस 6, फिर x प्लस 8, अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 5 कहा तो 5, इनका औसत कितना दिया गया, बराबर दिया गया 40, तो 40 इधर लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी इसको हल करेंगे तो 5 4 20, यानी कि बन गया 200। इनको जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x, टोटल हो गया हमारा 5x। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14 14 4 18 18 2 20, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 20। अब ये 20 इधर आके घट जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 180 बराबर 5x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 से हमारा ये कट जाएगा, 5 3 15 3, तो 5 6 30, यानी कि हमारा आ गया कुल मिला के x बराबर 36 आ गया। 5 3 15 3 और 5 6 30, यानी कि x बराबर 36 आ गया। अब दोस्तों ये तो 36 है, इस 36 में पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या का मान, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारी यहाँ पे ये x हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम x का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 36, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे b के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 7 के प्रथम 20 गुणांक अगर आप लिखेंगे तो 7 1 7 7 2 14 7 1 21 ... ...7 2 14 यानी कि 140 बन जाएगा 20वां गुणांक। अब कहा गया है इनका औसत निकालना, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इनका हम योग निकाल लें। तो योग निकालने के लिए फार्मूला दोस्तों देख लीजिए, मैंने क्या बताया है, एन बाई टू ब्रिकेट में ए प्लस एल, ए होता है प्रथम पद, एल होता है अंतिम पद। अब दोस्तों एन हमको पता है कितने, 7 के प्रथम 20 गुणांक, 20 यानी कि एन का मान 20 दिया गया, बटे 2 हो जाएगा, ए का मान 7 दिया गया है, एल का मान 140 दिया गया है। तो 20 से हमारे 10 टाइम में कट जाएगा, 2 से हमारा 20 10 टाइम में कट जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 140 7 47, यानी कि 147 मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों 10 का कर देंगे, तो फाइनली आ जाएगा हमारा 1470 आ गया। दोस्तों ये 1470 हमारा क्या आया है, ये योग आया है। हमको अब क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज हो जाएगा 1470 का, यानी कि 1470 बटे कितना हो जाएगा 20, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको जब कट करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 73.5 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर देखें तो 11 नंबर में कहा गया कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अभी तक दोस्तों 7 पूछा था, अब इस बार 8 पूछ लिया गया है। तो 8 में दोस्तों आप क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, 8 के प्रथम 20 गुणांक, तो 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, डॉट डॉट करके आप कहाँ लिखेंगे, 8 2 16 यानी कि 160 हो जाएगा, ठीक है, 20 गुणांकों का औसत। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने का फॉर्मूला भी हमको पता है, n बाई टू, n हमको पता है 20 गुणांकों का, बाई टू, ए पता है 8 और l पता है 160। दोस्तों 2 से इसको हमने 10 बार में काट दिया, 168 हो जाएगा, ये 168 और 10 और बढ़ जाएगा, तो योग तो हमारा टोटल कितना आ गया दोस्तों,
ये आ गया 20 गुणांकों का योग, हमको पता चल गया 1680 हो गया। हमको औसत निकालना है, इसलिए दोस्तों 1680 अपान का दोस्तों क्या कर देंगे, 8 गुणांक नहीं, 8 के प्रथम 20 गुणांक, टोटल कितने गुणांक है दोस्तों 20, तो हमने यहाँ पे 20 रख दिया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एवरेज निकल रहा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, फाइनली हमारा आ जाएगा 84 हमारा एवरेज आ जाएगा। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 11 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत। तो अब दोस्तों यहाँ पे अभी तक 7 कहा था, फिर 8 कहा, अब 9 के 30 गुणांकों कह दिया गया है, तो 9 9 9 2 18, 9 3 27, ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे कहाँ तक, 30 पदों तक, तो 9 3 27 लास्ट पद हमारा आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए दोस्तों आप जानते हैं n by 2, n हमारा 30 हो जाएगा by 2, a plus l यानी कि a हमारा 9 है, l हमारा 270 दिया गया है। अब दोस्तों इसको अगर कट करेंगे तो ये 15 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 और 270 में जब इसको ऐड करेंगे तो 279 हो जाएगा। अब ये तो आ गया हमारे इतना योग, अब योग बटे दोस्तों हम क्या कर देंगे, हमको अब क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है औसत निकालना है। औसत को दोस्तों आप जानते हैं एवरेज यानी कि ए से डिनोट किया जाता है, इसलिए दोस्तों 15 मल्टीप्लाई 279 अपान का दोस्तों कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। 3 से दोस्तों देख लीजिएगा ये 5 बार में कट जाएगा, जब ये 5 बार में कट जाएगा दोस्तों तो हमारा अब ये 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 हो जाएगा 45, 5 9 45 की 5 हासिल लगा दोस्तों 4, 5 7 35 35 4 39, 5 7 35 35 4 39 की 9 हासिल लगा दोस्तों हमारा 3, अब 5 2 9 10 3 13, नीचे 0 बच रहा दोस्तों तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया, फाइनली हमारा आ गया 139.5 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर है, ये बात हमको बतानी है। तो 5 क्रमागत संख्याओं, तो 5 क्रमागत संख्याएं दोस्तों एक हो गई हमारी x, दूसरी हो गई हमारी x प्लस 1, तीसरी हो गई x प्लस 2 और चौथी हो गई x प्लस 3 और पांचवी हो गई x प्लस 4। ये 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, चतुर्थ और दूसरी संख्या गुणनफल का अंतर है। तो अब इनका सबसे पहले हम क्या निकालें, औसत, जब औसत निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा x, x प्लस 1, x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, अपान का दोस्तों कितना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज बता रखा है 50 और ये हम क्या निकाल रहे हैं औसत, अच्छा कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 50 हम यहाँ पे रखेंगे, एवरेज यहाँ पे बता रखा, एवरेज यहाँ होता है, एवरेज बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है 5। अब दोस्तों जब इनको हल करेंगे तो देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, तो फाइनली हमारा आ गया 5x प्लस का 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया हमारा 50। दोस्तों यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 2 अपान का 5, यहाँ पे 50, तो ये 5 से ये 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे फाइनली आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 48 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारा x की वैल्यू 48। तो कुल मिला के 2 हमारे इधर कॉमन हो जाएगा 50 से, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 48। अब कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, देख लीजिएगा सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी ये हो जाएगी, इनका गुणन, तो ये x और x प्लस 4 इनका करा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर, तो चतुर्थ हमारा ये हो जाएगा, अब चतुर्थ और दूसरी हमारी ये हो जाएगी, इनका गुणनफल का अंतर, तो x प्लस 1 और फिर x प्लस 3, अब अंतर तो अंतर कर दिया। अब दोस्तों अगर देख लीजिएगा यहाँ पे सारी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्तों 48 और ये हो जाएगा 48 में हम
जब 4 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52। माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 48 और 48 में एक जोड़ देंगे 49 बन जाएगा, और यहाँ पे 48 3 हो जाएगा हमारा 51। अब दोस्तों अब देखिए ये इनका अंतर कितना आएगा, अंतर ही हमको निकालना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 और 52 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे और इनका इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। 2 8 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 8 16 और 2 4 8 1 9। तो अब यहाँ पे दोस्तों 5 क्या कर लीजिएगा, 5 8 40 और 4 5 4 20, 4 24। अब इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 6 9 4 2, 2496 आया। अब अगर इसको भी ऐसे ही आप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सबसे पहले 49, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 9 45 की 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4 5 4 20, 4 हो जाएगा 24। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा हो गया 9, और 5 4 9, और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, इनको आपस में घटाने के लिए कहा है क्योंकि माइनस लगा है, तो हम इनको घटा देंगे। तो इनको घटाने पे क्या आएगा हमारा 2499, माइनस यहाँ पे कर देंगे 2496, 2499 और 2496। तो हम ये 2499 से हम क्या कर रहे हैं, 2499 से माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, हम इससे माइनस कर रहे हैं 2499 से 2496, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस 3 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 13 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। अब 5 क्रमागत संख्याएं दोस्तों कहा गया, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, फिर हो जाएगी x प्लस 2, फिर हो जाएगी x प्लस 3, फिर हो जाएगी x प्लस 4। ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है बताया दोस्तों, 10 है। तो हमने यहाँ पे ये 5 संख्या रख दिया, इनका औसत 10 बताया तो हमने 10 रख दिया। अब अगर इनको ऐड करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 10 रख दिया, बराबर हो जाएगा हमारे 50। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 50 10 इधर माइनस हो जाएगा करके, तो 5x बराबर हमारा आ जाएगा 40, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो ये तो आ गया हमारा 8। अब हमको कहा गया है कि तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, दोस्तों देख लीजिएगा बीच वाली संख्या यहाँ पे कौन सी बन जाएगी, बीच वाली संख्या हमारी x प्लस 2 बनेगी, ये x प्लस 2, यहाँ पे x, x प्लस 1, ये दो इधर से खत्म कर दिया, दो इधर से खत्म कर दिया, तो बीच वाली संख्या x प्लस 2 बचेगी। तो x का मान हम जानते हैं दोस्तों 10 आया है, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि देखें तो x का मान हमने 8 रख दिया, प्लस 2 और ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 14 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 5 क्रमागत संख्या दोस्तों अगर आप हम मानेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x प्लस 2, फिर हो जाएगा x प्लस 3, फिर हो जाएगा x प्लस 4। ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 100, तो हमने यहाँ पे इक्वल करके 100 रख लिया। इनको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस का, यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि ये 10 हो जाएगा, अपान का यहाँ पे दोस्तों 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। दोस्तों ऊपर से हमने 5 कॉमन कर लिया, तो 5 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 100, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 98, यानी कि 2 आके माइनस हो जाएगा। पूछा क्या गया पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी दोस्तों यहाँ पे x है, तो x का मान 98 रखेंगे तो 98 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी 5 संख्याएं हो गई, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। अब कहा गया कि तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर निकालना है, तो अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने इन संख्याओं का औसत निकाला था, तो कितना आया था, x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 98 आई थी। पिछले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था, यहाँ पे x की वैल्यू 98 आई थी, और अब हमारा यहाँ भी 98 आ जाएगा, ये बात आपको कन्फर्म हो गई। तो यहाँ पे कहा गया है कि सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का, सबसे बड़ी
और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी तुम्हारी 98 हो जाएगी और सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारा x प्लस 4 यानी कि हमारा हो जाएगा 98 4 102 हो जाएगा। अब कहा गया है कि इनका वर्ग ज्ञात कीजिए ना दोस्तों, इनका वर्ग निकालना है तो 98 का स्क्वायर आप निकालेंगे, पहले 102 का वर्ग निकाल लीजिएगा, 102 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों हमारा 104 04, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 102 का स्क्वायर हो जाएगा 102 04। अब दोस्तों यहाँ पे 98 का निकालेंगे तो 98 का हो जाएगा, 98 से 2 कम करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो 96 हमने लिख दिया और यहाँ पे 96 लिखने के बाद दोस्तों हमारा कितना 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 96 08 4 हो जाएगा, 96 04 क्योंकि 98 से 2 कम है। अब दोस्तों इनको माइनस कर देंगे, यही कि अंतर कहा है, तो 4 से 4 घटाएंगे 0 0, और इधर अगर 14 14 से अगर दोस्तों 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इधर हमारा बचेगा यानी कि कुल मिला के फाइनली आ जाएगा हमारा 800 800 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो देखें तो 16 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी 30 अंकों की गणती परीक्षा में 30 अंकों की गणती परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है, इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का हमको क्या निकालना है दोस्तों, अनुपात ज्ञात करना है। तो ठीक है दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया है कि किसी 30 अंकों की गणती परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है, तो दोस्तों देख लीजिए कि ये 40 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 40 छात्र हैं और 23 उनका माध्य प्रत्येक छात्र का, तो 40 गुणे 23 हो गया। फिर कहा गया कि इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा, ये तो कक्षा ए का हो गया, कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है, अब प्राप्तांकों का माध्य यहाँ 22 है। फिर कहा गया दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य को कक्षा ए और प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात, दोनों कक्षाओं तो ये तो ए का हो गया दोस्तों, ये देख लीजिए कि ये हमारा ए का बन जाएगा। अब बी का निकालेंगे तो बी का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45 छात्रों का 22 माध्य दिया गया, 45 छात्रों का यहाँ पे 22 माध्य दिया गया है। अब क्या करेंगे, कह रहा इन दोनों का माध्यों का योग, इन दोनों प्राप्तांकों के माध्य, इन दोनों का जो योग आया है इनका माध्य, तो अब हम यहाँ पे देख लीजिएगा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, ये देख लीजिएगा 4 3 12 हो जाएगा और 4 2 8 1 9 यानी कि 920 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 11 9 99 यानी कि 990 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 990 हो गया। अब इन दोनों का योग यानी कि 920 प्लस 990 बटे टोटल बच्चे कितने थे, पहले वाले में 40 थे दूसरे वाले में 45 थे, इनका योग, इनका ये माध्य और कह रहा कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्यों का अनुपात। अब कक्षा ए में जो प्राप्तांक थे, कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना है दोस्तों यहाँ पे 23 है, तो हमने यहाँ पे 23 रख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 9 9 18 1 1910 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनली टोटल ऐड करने पे हमारा 1910 हो गया, नीचे अगर जोड़ेंगे तो 40 और 45 हो जाएगा 85, अनुपात दोस्तों हो जाएगा 23। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी से कट रहा हो तो कट कर दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको हम कट करें तो ये हमारा कट रहा है 17 5 85 और 17 7 119, 17 का नम 17 नहीं 17 से तो नहीं कटेगा दोस्तों, यहाँ पे हम और किसी संख्या से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 का नम 5 हो जाएगा, 3 हो गया 35 तो 5 7 35, अब यहाँ से 5 3 15 हो जाएगा, 4 बचा 5 8 40 हो गया, 5 2 10 हो गया। अब दोस्तों यानी कि 382 और 382 बटे 17, 17 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो 17 51 की एक हासिल लग जाएगा दोस्तों हमारा 5 17 2 34 और 34 अब 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 39 34 5 39 और इधर हो जाएगा 382 हो जाएगा, तो अब ये नहीं कटेगा किसी से दोस्तों, तो बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अनुपात बन जाएगा यानी कि 382 अनुपात 391, ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि एक कक्षा की परीक्षा में
पांच छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से तीन के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष दो छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। कहा गया कि एक कक्षा की परीक्षा में पांच छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है, पांच छात्रों का। तो दोस्तों यहाँ पे हम पांच छात्र जब लिखेंगे तो यानी कि पांच छात्रों का योग निकालेंगे तो 39.20 इंटू 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 500, 5 दूना 10, 5 नौ 45, 46 और 4 5 तीन 15, 4 19। दोस्तों दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो दो अंक बाद दशमलव हमारा ये यहाँ पे लग जाएगा। ये तो आ गया हमारा इसका पांच छात्रों का योग फिक आ गया और उनमें से तीन के प्राप्तांकों का औसत 41 है। तीन का 41 बताया गया तो 41 मल्टीप्लाई तीन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। पॉइंट हमने 0-0 बना लिया। यहाँ पे आ गया हमारा 123 हो गया। अब कहा गया है कि शेष दो छात्रों के प्राप्तांकों का औसत। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो इनको आपस में हम माइनस कर दें तो 5 से 3 तो ये बचेंगे 2, यहाँ पे 2 छात्र बचेंगे। तो और इनको घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा और 9 से 2 घटाएंगे हमारा 7 आ जाएगा, 73 आ गया। तो यहाँ पे अब हम दो छात्रों का योग इतना आ गया 73। अब इनका हम औसत निकालेंगे तो फाइनली आ जाएगा 73/2। इसको कट करेंगे दोस्तों तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 यानी कि 36.5 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 18 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखें तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया 100 छात्रों वाली एक कक्षा में, टोटल 100 छात्रों वाली एक कक्षा है एक विशेष विषय में, ठीक है, प्राप्त अंकों का माध्य 25 है, ठीक है, और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य, तो दोस्तों देख लीजिएगा 100 छात्रों का माध्य कितना बताया गया है 25। तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 छात्रों का योग निकल आएगा 2500। अब फिर ऐसे ही 50 छात्रों का माध्य कितना बताया गया 70, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 3500। अब इनको टोटल अगर हम योग करें, यही तो कहा गया है दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य, दोस्तों ये कितना हो जाएगा 35, 45, 40, 4, 2, 6 यानी कि बन जाएगा 6000। अब हमको टोटल एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर ये हो जाएगा हमारा 6000/2। दोस्तों 100 बच्चे पहले थे, 50 बच्चे बाद में, तो ये हो जाएंगे टोटल 150 बच्चे, तो ये 0 से 0 कट गया, 15 × 4 = 60 यानी कि फाइनली जो आ जाएगा हमारा एवरेज आ जाएगा 40 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल छात्र हमारे पास कितने थे, टोटल हमारे पास 25 छात्र थे जिनका औसत 36 था। तो हम ये 25 मल्टीप्लाई 36 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 18 × 5 = 90 यानी कि 900 बन जाएगा। अब कह रहा कि एक छात्र समूह छोड़ देता है, जब दोस्तों एक छात्र समूह छोड़ देगा तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 24 छात्र बचेंगे और उनका जो औसत है बढ़कर के 37.5 हो जाता है। इनका जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ भी आ जाएगा कितना, 900 ही आ जाएगा। तो अब देखें तो हमारा ये हम इसको कह सकते हैं कि अब समूह छोड़ने वाले छात्र के प्राप्त अंक, अगर हम समूह छोड़ने ये छात्र समूह छोड़ा तो समूह छोड़ने वाले छात्र का अंक अगर निकालें तो यहाँ पे 900 से 900 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, समूह छोड़ने वाले छात्र का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 900 - 900 कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फाइनली कितना आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, 0 हो गया। अब कहा गया ये
बाद में कहा गया कि एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त अंकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। अब जब एक शामिल हो जाएगा तो फिर 25 हो जाएंगे, और अब उनका औसत कितना हो जाएगा, 37.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करना है। इनका जब दोस्तों मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 930 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो शामिल हुआ है, शामिल होने वाले छात्र का अगर हम निकालें, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, शामिल होने वाला छात्र कितने का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। ये 900 था, 900 से जब हम 930 घटाएंगे 30 आ जाएगा दोस्तों। तो अब कहा गया है जो समूह छोड़ा है और जो समूह में शामिल हुआ है, उन दोनों छात्रों का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिए, जो समूह छोड़ा है तो उसका 0 निकल के आया है, जो समूह में ऐड हुआ उसका 30 निकल के आया है। प्राप्त अंकों का अंक योग, मतलब अंक कितना आया, एक का 0 आया, एक का 30 आया, बटे क्या कर देंगे 2। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एवरेज निकालना है दो बच्चों का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, गलती से अंक हमने हमको मतलब क्या कहा कि बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है। कितना पढ़ लिया गया है दोस्तों, 45। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, 25 था, अब 25 को हमने गलती से क्या पढ़ लिया, 45। तो यानी कितना ज्यादा हमने पढ़ लिया, 45 से अगर हम 25 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा हमारा, 20 बचेगा। यानी कि हमने 20 ज्यादा पढ़ लिया है। तो 40 टोटल छात्र थे, 68 उनका माध्य है। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, 4 6 24, 3 27। अब दोस्तों 2720 हो गया। अब इस 2720 को हम क्या करेंगे, ये जो 20 हमारा है, ये ज्यादा हमने इसमें औसत में जोड़ लिया था ना, तो इसी 20 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फाइनली आ जाएगा हमारा 2700। अब ये 2700 का हमको 40 छात्रों में क्या करना है, एवरेज निकालना है, सही माध्य बताना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 40 छात्र, ये 0 से 0 कट गया, 4 6 24 हो जाएगा, और 24 3 बचा हमारा, 4 7 28, और 2 बचा, 4 5 20। यानी कि देखें तो फिर से 4 6 24, 24 3 हो गया 30, 4 7 28, 4 5 20, 67.5 हमारा सही माध्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमें 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। कितने में हैं दोस्तों, 25 में से 18 है, यानी कि 25 का पूर्णांक रहा होगा तो उसमें से 18 अंक मिल रहे हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कि 3 छात्रों की परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है, यानी कि 25-25 का पूर्णांक रहा होगा तो उसमें से 18-18 अंक अर्जित कर रहे हैं। तो तीनों छात्रों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 54। तीनों छात्रों के अंकों का योग कितना हो गया, 54। फिर कहा गया है कि 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो जाता है, तो अब 20 औसत हो जाता है 5 छात्रों का, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का हम डिफरेंट करें तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 46 बचेगा। अब ये जो 46 आया, तो ये 46 में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि एक परीक्षा में औसत अंक 25 है, ठीक है, तो 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं, हमको न्यूनतम अंक निकालने हैं। तो 46 में से अधिकतम अंक हमने, 25 का पूर्णांक था तो 25 अंक हमने निकाल दिया, तो ये तो हो गया हमारा इग्नोर। अब यहाँ पे 25 में हम और कितना जोड़ दें कि 46 हो जाएगी, 46 में 25 निकाल देंगे तो बचा कितना हमारा दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 21 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों हमारा, 21। तो यही हमारे न्यूनतम अंक हो जाएंगे, न्यूनतम। तो दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूनतम अंक हो जाएंगे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉलेज के 3 समूहों
G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40, 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60%, 70% हैं। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक कॉलेज के तीन समूह हैं G1, G2 और G3। तीन समूह छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 20 छात्रों का अगर हम पहले G1 का निकालेंगे तो यहाँ पे 50% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया G1 समूह के योग आ जाएगा 2 × 5 = 10 और 00 यानी कि 1000% आ जाएगा। G2 का निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारे कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और यहाँ पे 60% है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 6 × 4 = 24 और 00 और यहाँ पे 2 × 5 = 10 00 हो गया, 6 × 4 = 24 00 इतना परसेंट हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरे ग्रुप का निकालेंगे G3 का, यहाँ पे टोटल बच्चे 60 हैं और 70% यहाँ पे दिया गया है तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा और 00 हो जाएगा ये परसेंटेज। अब कहा गया है कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक इनको सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 00 और यहाँ पे 4 × 2 = 6 तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया और 4 × 2 = 6 = 7 यानी कि 7600 हो गया। बटे दोस्तों हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं, 6 × 4 = 10 यानी कि 100 = 120 टोटल बच्चे हैं, 120 टोटल एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं तो ये 0 से 0 कट गया, 12 × 5 = 60 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 72 × 2 = 4 हो गया। और यहाँ कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं, औसत अंक हमको टोटल बताना है दोस्तों, यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, ठीक है 60 × 60 = 120 हो गया। अब अगर हम इस 7600 को कट करें 4 × 2 = 6 और 4 × 2 = 7 ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों कुल मिलाकर के कितना बन जाएगा हमारा 12 × 6 = 12 12 × 6 = 72 हो जाएगा। 72 के बाद दोस्तों हमारा कितना बचा, 4 बचा हो गया 40 हो गया। अब 12 × 3 = 36 तो हमने यहाँ पे रख दिया 3 दशमलव रख दिया, 12 × 3 = 36 और फिर दशमलव रख दिया और बचा कितना 4 फिर 12 × 3 = 36 समथिंग दोस्तों हमारा ये 63.33% ये आता ही रहेगा। तो फाइनली हमारा जो इसका राइट आंसर बन जाएगा हम इसको रख देंगे 63% यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा डी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 23 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर अगर देखा जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। आसान क्वेश्चन है दोस्तों देख लीजिएगा, रीना तो हमने यहाँ पे रीना लिख दिया और ये रीना ना जो है दोस्तों यानी कि 16 परीक्षाओं में 26 के औसत से अंक प्राप्त करती है तो 16 × 6 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 16 × 6 = 96 की 6 यहाँ से लग जाएगा हमारा दोस्तों 9, 16 × 2 = 32 32 × 8 = 40 1 = 41 हो जाएगा यानी कि 416 आ जाएगा। अब दोस्तों जो श्रेया है हमारी यानी कि श्रेया है, ये श्रेया क्या करती है, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं, 12 परीक्षाएं दी हैं 24 अंक प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे 12 × 4 = 48 की 8 हासिल लगा दोस्तों 4 और 12 × 2 = 24 24 = 4 हो जाएगा हमारा 28 288 अंक प्राप्त करती है। अभी ये कितना इससे कम है, 416 से 288 दोस्तों कितना कम है, घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 से 8 घटाएंगे 8 आ जाएगा, इधर बच्चा हमारा दोस्तों 10 से 8 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा और ये फिर जब 2 बचा दोस्तों हमारा और इधर बचा हमारा 3 से दोस्तों 2 घटाएंगे 1 128 कम है। इस 128 को हमको कितने ये कितने एग्जाम देती है, 16 एग्जाम, ये 12 एग्जाम देती है तो 4 एग्जाम अभी कम दिया तो 4 एग्जामों में कहा भी 4 शेष एग्जामों में इसको कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे तो ये दोस्तों 4 का भाग 128 में दे देंगे, 4 × 2 = 8 यानी कि 32 मतलब अभी अंक और प्राप्त करने हो, औसतन कितने अंक, 32 औसत अंक प्राप्त करने होंगे तभी जाके वो रीना के बराबर हो पाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियाँ थी, एक परीक्षा में लड़कों को
13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पे कहा गया लड़कों का, तो लड़कों का 9 लड़के हैं 13 के औसत से प्राप्त करते हैं। लड़कियां दोस्तों हम मान लेते हैं x रही होंगी, और ये कितना पाते हैं लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15, हमने 15 कर दिया। कहा गया यदि अंकों का कुल औसत, अब दोस्तों यहाँ पे अंकों का कुल औसत कितना है, यहाँ पे कुल अंकों का औसत कितना बताया गया, हमने दोनों का योग कर दिया और टोटल बच्चे कितने हैं 9 और प्लस ये x लड़कियां, इनका कुल औसत कितना बताया गया है, अंकों का कुल औसत बता दिया गया है 14.28, तो हमने यहाँ पे रख दिया 14.28 रख दिया, ठीक है। अब हमने इनको हल करना, देखते हैं हल करते हैं, तो 13 नवैया दोस्तों हो जाएगा 117, और यहाँ पे 15x हो जाएगा, और इधर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 8 = 72 के 2 हाँसी लग जाएगा दोस्तों हमारा 7, 9 × 2 = 18, 18 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 18 × 2 = 20, 20 × 6 = 26 की 6 हाँसी लग जाएगा दोस्तों हमारा 2, और फिर दोस्तों हमारा 9 × 2 = 18, 18 में हम जब दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो हमारा 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 रखना चाहिए, यहाँ से लग गया 2, और फिर 9 × 4 = 36, 36 × 37 = 38 हो जाएगा, यहाँ से लगा 3, 9 × 9 = 9, 3 = 12, यानी कि ये हो गया, 1-2 अंक बाद दशमलव रख देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा x का 9 का मल्टीप्लाई कर दिया इतना, और फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा ये 14.28 आ जाएगा, 14.28 हमने जैसे कहा ऐसा रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे x लग जाएगा, यहाँ पे दोस्तों x वालों को एक तरफ कर लेंगे, जब दोस्तों x वालों को एक तरफ करेंगे और गिनती गिनती वालों को एक तरफ करेंगे, तो ये 117 ये 14 इधर आ जाएगा 14.28, तो 15 से जब 14.28 हटेगा तो यहाँ पे 70 × 72.72x बचेगा, और यहाँ पे हमारा बचेगा दोस्तों कितना, यहाँ पे 117 आके घट जाएगा 128 से, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, 117 × 3 = 20, 8 × 3 = 11, 11.52 बचेगा, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया, तो x बराबर 1152/72 आ गया। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करें तो क्या 12 से कटेगा, 12 × 9 = 108, अब 108 बचा यहाँ पे कितना दोस्तों हमारा 5 × 2 = 7, ठीक है, देखो 12 × 9 = 108, 12 × 6 = 72, और यहाँ भी 12 × 6 = 72 दोस्तों, 6 से भी कट जाएगा, 6 × 9 = 6, 6 × 6 = 36, 16 आ जाएगा, 6 × 9 = 6, और यहाँ पे दोस्तों 3 × 36 हो गया, 6 × 6 = 36, तो यहाँ पे आ गया 16, हमको निकालना था कुल संख्या कितनी है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो जो ये x निकल के आया है दोस्तों, ये x हमारा क्या आया है, गर्ल्स की संख्या आई है, ये क्या है, गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हो गई x, क्योंकि हमने x गर्ल्स माना था, और टोटल बच्चे बताना है, तो टोटल बच्चे 9 तो थे हमारे बॉयज थे, और 16 हमारी गर्ल्स आ गई हैं, तो 16 × 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हमारे टोटल बच्चे हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्य 16 है, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है, टोटल 25 का पूर्णांक रहा होगा, 3 छात्र उसमें 16-16 अंक प्राप्त करते हैं, 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, 5 विद्यार्थियों के औसत अंकों को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, हमको ये बात बतानी है। अब 25 अंकों की परीक्षा थी दोस्तों, 3 छात्रों ने 16 अंक प्राप्त किया, तो 16 अंक प्राप्त किया 3 छात्रों ने, तो 16 × 32 = 48 हो जाएगा, 3 छात्रों का योग हो जाएगा। फिर कहा गया कि 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है, तो ठीक है दोस्तों, जब 2 नए और छात्र हो जाएंगे तो टोटल छात्र हो जाएंगे 5, विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाता है 19 हो जाता है, तो 19 × दोस्तों 5, 19 × 5 हो जाएगा 95, अब दोस्तों इनका डिफरेंट देखेंगे तो 95 और 48, 48 × 2 = 50, 50 × 40 = 45, 45 × 2 = हमारा 47, ये 47 आ गया।
आप कह रहा कि 25 अंक, तो क्या पूछा गया है दूसरे नए छात्र से कम से कम अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम कितने अंक प्राप्त करेगा, वही न्यूनतम पूछा गया दोस्तों। फिर तो ये 47 था, 47 से तो हमारा 25 अधिकतम तो निकल ही जाएगा, तो ये हम इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे बचेगा कितना हमारा, 25, 10, 35, 10, 45, 20, 2, 22, तो न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 22 हो जाएंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 26 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 16 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108 की 8 हो जाएगी दोस्तों, हासिल लग गया हमारा 10। अब 18 कन्नम 18, 18 10 हो जाएगा हमारा 28, यानी कि टोटल आ गया 288 आ गया ये। और बाद में कहा गया कि जबकि कुल 30 विद्यार्थियों का औसत, तो 30 विद्यार्थियों का औसत दिया गया 18.1, ये 30 विद्यार्थियों का, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 8 24 की 4 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 2, 3 एकन्नम 3 2 5, एक अंक बाद दशमलव रख लेंगे तो 543 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करना है हमको, तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत, दोस्तों आप ध्यान से समझिए लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 543 से हम, ये 543 से हम क्या करेंगे, 288 माइनस कर देंगे, तो ये जो निकल के आएगा वो हमारा लड़कियों का योग निकल के आएगा। यहाँ पे 13 से 8 घटा देंगे दोस्तों, तुम्हारा कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा फिर दोस्तों 13 से 8 घटाएंगे फिर दोस्तों 5 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा बचा दोस्तों कितना, 4 से 2 घटाएंगे 255 बच गया, ये 255। अब गर्ल्स का एवरेज हम निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ये 255 बटे, अब लड़कियाँ कितनी हैं, टोटल 30 बच्चे कहा गया, 30 विद्यार्थी हैं, 30 में से 18 लड़के हैं, तो कितनी बची होंगी लड़कियाँ, 12 लड़कियाँ बची होंगी, कितनी बची होंगी दोस्तों 12। अब 12 किसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, बचा हमारा दोस्तों कितना, 1 हो गया 15, 12 कन्नम 12 हो जाएगा, 12 कन्नम 12 हो जाएगा, बचा दोस्तों हमारा 15 था, तो यहाँ पे 3 बचा हो गया 30, 12 दूना 24 यानी कि पॉइंट रख दिया, 12 दूनी 24 हो गया, बचा दोस्तों कितना 6 12 5 60 हो गया, 21.25 गर्ल्स का एवरेज कितना आ गया, 21.25, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार की क्वेरी को भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य कितना है दोस्तों, 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक, जिसने दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त किए, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन हम लोग अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ पे कहा गया कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में, यानी कि 45 अंकों की पूर्णांक वाली एक परीक्षा रही होगी, जिसमें से 3 छात्रों ने 38 के माध्य से, यानी कि माध्य कहे या एवरेज कहे बात वही होती है दोस्तों, तो 3 छात्र हैं और 38 के औसत है उनका, तो इनका योग निकालेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 9 2 11, 114 आ गया, कितना आ गया दोस्तों हमारा, 114 आ गया। अब क्वेश्चन में और एक बात कही गई है हमारे, कहा गया है कि उस नए छात्र, मतलब 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, तो अब जब दोस्तों 2 नए छात्र आ जाएंगे तो क्या कहा गया है कि टोटल 5 छात्र हो जाएंगे, पहले 3 छात्र, 2 और शामिल हो जाएंगे, तो टोटल 5 छात्र हो जाएंगे, और 5ों का अब हमको औसत कितना बता दिया गया है, 40 औसत बता दिया गया, तो इनको निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। अब 200 हो जाएगा, तो अब हम ये देखेंगे इन दोनों में 200 और 114 में डिफरेंट कितना हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे 86 का हो गया दोस्तों, कितने का हो गया, 86 का हो गया। अब इस 86 से 45 अंकों की तो पेपर ही था, तो पूर्णांक ही था, तो हमने 86 से
छियासी से 45 कम कर दिया, तो अब बचा हमारा कितना होगा दोस्तों, 86 के बाद दोस्तों हमारा हमारा बचेगा यहाँ पे 41 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों हमारा 41 बचेगा। तो यही 41 हमारे इसको इग्नोर कर देंगे, 41 हमारा न्यूनतम या कम से कम अंक हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा न्यूनतम अंक। तो यानी कि देखें तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे मिल रहा है, 41 नंबर 41 मिल रहा है दोस्तों ए ऑप्शन पे, तो 28 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 25 है, 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है, रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, रुमेला का अब तक का औसत अंक 23 अंक है, और लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा, 12 टेस्ट में दोस्तों, तो यानी कि 12 टेस्ट में एवरेज कितना है 25 का, तो ये कितना हो जाएगा 6×5=30 यानी कि 300 हो जाएगा, ये किसका हो गया दोस्तों, रघुवीर का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रघुवीर का हो गया। अब हम रुमेला का निकालेंगे, तो रुमेला क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे रुमेला अब तक का औसत अंक 23 है, रुमेला का औसत अंक कितना 23, लेकिन उसने 8 ही एग्जाम दिए हैं, तो 8 से 24 की 4 हासिल लग गया दोस्तों, 2 8 दुना 16 17 18 हो जाएगा, 8 से 24 4 हासिल लगा 2 8 दुना 16 17 18। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे तो 184 से हम 6 और ऐड कर देंगे, तो 184 6 हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 100 यानी कि 16 यानी कि 116 बच जाएगा। अब ये 116 रुमेला को 116 अंक 4 परीक्षाओं में प्राप्त करने हैं, तो कितने के एवरेज से प्राप्त करेगी, तो 4 दुना 8 4 9 36 ये 29 के एवरेज से प्राप्त करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 29 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। दोस्तों पहले कुछ भी रहा होगा एवरेज यानी कि औसत, बाद में जब 5 छात्रों के बाद एक छात्र और शामिल हो जाता तो 6 छात्र हो जाते हैं, जब 6 छात्र जब शामिल हो जाएंगे और सभी 6 छात्रों में 2-2 का एवरेज बढ़ जाएगा, दो दो का जब एवरेज बढ़ जाएगा तो यानी कि टोटल कितने अंक बढ़े, यानी टोटल कितना वो अंक लेके आया छठवां छात्र, यानी कि 12, 6 दूनी 12 अंक लेके आया, तभी तो 12 अंक लेके आया होगा, तभी तो सब में 6 में 2-2 बांट दिया गया। तो अब यानी कि कुल मिला के यही कहा गया है कि बिना औसत अंकों से इस छात्र ने 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कैसे दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहले 5 छात्र थे, इस ये 5 छात्र हमारा एक्स एवरेज रहा होगा तो 5x इन ये हो गए, बाद में 6 छात्र हो गए, इनका एवरेज 1+2 हो जाता है यानी कि 2 बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6x प्लस का 6 दूना 12। अब पूछा ये गया है कि बिना औसत अंकों से 2 अंक की वृद्धि हो गई, तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो पहले दोस्तों ये 5 छात्र थे, अब 6 छात्र हो गए हैं, तो पहले ही अब ये कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहे हैं, 12 अंक अधिक प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे देखें तो 12 के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 अंक औसत अंक प्राप्त किए थे, यदि समग्र औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगर हम ऐसा करते हैं कि एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, तो 28 मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे 12.5, अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये तो हो जाएगा दोस्तों इसका आधा 14, और ये 12.5 जो लिखा है दोस्तों हम क्या कर देंगे, इसको 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूना 10 50 25 25 आ जाएगा, अब 25 बुढ़े यहाँ से 10 हो जाएगा, अब फिर इसको करेंगे 7 पना 35 10 इसका 10 इसका, और फिर दोस्तों हम ये एक अंक बाद क्या कर देंगे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा दिया, फाइनली हमारा आ जाएगा
350 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 350। आप कर लीजिएगा दोस्तों, 350 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए थे, यदि समग्र औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे लड़कियां, अब लड़कियों की संख्या हमको नहीं पता है, मान लेते हैं लड़कियां हमारी एक्स रही होंगी और इनका जो एवरेज है ये 14.5 है, तो ये 14.5 एक्स बन जाएगा। अच्छा, ये हो गया लड़कियों का। अब कहा गया कि समग्र यानी टोटल जो है हमारा क्या हो जाएगा, अब टोटल लेकर इनको कर देते हैं, 350 प्लस का 14.5x बटे टोटल 28 बॉयज हो गए, x गर्ल्स थी, और इनका समग्र औसत कितना बता दिया गया, 13.1 बता दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दोस्तों देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 350 हमारा वही आ जाएगा, 14.5x वही हो जाएगा 14.5x। अब 28 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13.1x हो जाएगा, प्लस का 13.1 में हम 28 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों अभी अभी हमने किया है, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर बाहर आप करके देखेंगे तो 13.1 मल्टीप्लाई 28 यही आपको करना है, तो हमने कर दिया दोस्तों यहाँ पे 8 एकदम 8, 8 3 24, 8 एकदम 8 2 10, फिर दोस्तों 2 एकदम 2, 2 3 6, 2 एकदम 2 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 366.8 आ जाएगा, 366.8 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए क्या करना है इसमें हमको, यहाँ पे हमारा अब ये 14.5x है, यहाँ पे 13.1x है, तो यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों हमारा, तो घट करके आ जाएगा 5 से 1 घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट का हमारा आ जाएगा 4, पॉइंट का कितना आ जाएगा 4, और ये 1 से 14 से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 1.4x कितना बन गया हमारा 1.4x बराबर, यहाँ पे दोस्तों अब इससे हम कितना घटा देंगे, 350 माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 8 आ जाएगा, 0.61 यानी कि 16.8 आ जाएगा, 16.8 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 16.8 को हम जब इससे माइनस करेंगे तो भाग देंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो अब अगर इनको हम दोस्तों हल कर दें इसको तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 16.8 अपान का 1.4, ये x की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिया, 14 एकदम 14, 14 एकदम 14, 2 बचा दोस्तों यहाँ पे 14 2 28, फाइनली x की वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 हमारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अब कहा गया है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो x तो हमारी गर्ल्स आ गई है और टोटल हमारे यहाँ पे 28 बॉयज थे, तो 12 और 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50, तो टोटल बच्चों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे तो दोस्तों हमारा 28 में जब 12 जोड़ेंगे दोस्तों 40 होगा ना, ये गलती करे दे रहे हैं ना हम लोग, 30 10 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो 40 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31 के बाद 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि 40 छात्रों के एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं, तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले 7 3 10, तो ये 10 बराबर हो जाएगा हमारा 40 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 4 के, तो जो ये गर्ल्स और बॉयज हैं यहाँ पे, पहले हमारा बॉयज बताया गया फिर गर्ल्स बताया गया है, तो ये हो जाएगा जब 1 बराबर 4 के तो 7 बराबर यहाँ पे 28 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये तो आ गया बॉयज हमारे 28 हैं, गर्ल्स हमारी 12 हैं। तो अब कहा गया कि 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ये है, लड़कों के औसत अंक, तो यहाँ पे हम जो एवरेज निकाल रहे हैं वो बॉयज का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई 28 कर देंगे। अब जब दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा 13 × 14 करेंगे, तो या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा 13 × 14, या तो फिर आप जैसा करना चाहें 13 × यहाँ पे 14,
14 हमने क्यों किया, इसमें 5-5 का भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा और 14 का 28 का आधा 14, 14 तो 14 थी 42 की 2 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 4 और 14 कन्नम 14 और 14 4 हो जाएगा 18, 182 हो जाएगा। तो 18 182 हो गया दोस्तों। तो फाइनली ये हमारा आ गया 182। अब बाद में लड़कियां कितनी दी गई हैं, अब एवरेज हम निकालने जा रहे हैं गर्ल्स का। गर्ल्स हमारी कितनी है दोस्तों, लड़कियां हमारी 12 मल्टीप्लाई करेंगे 72 दोस्तों। यहां पे बाद में फिर एक जीरो भी बढ़ाना है हमको, ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा। तो अब दोस्तों 12 × 2 = 24 की हो जाएगी 4 हासिल लग जाएगा हमारा दोस्तों, 2 × 12 = 72 = 73 = 74 यानी कि 744। अब कहा गया पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो अब हम पूरी कक्षा का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज आप ये बी और जी यानी कि बॉयज और गर्ल्स, तो 1820 ये कर देंगे प्लस का 744 बटे टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 28, 12, 40 टोटल बच्चे हैं। इनको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, 4 तो 6 आ जाएगा, 7 × 7 = 14 = 15 आ जाएगा, 15 × 1 = 2 हो जाएगा, 2564 / 40 हो जाएगा। 4 से इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 6 = 24, 24 = 1 तो 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 4 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 10, तो ये आ जाएगा 64.1 हो जाएगा यानी कि 64.1 यानी कि देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों कहाँ पे दिया गया है, एवरेज निकालना था तो, और पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा। फिर से दोस्तों देखते हैं कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि आंसर नहीं मैच हो रहा है। 4 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 4 × 6 = 24 हो गया, 1 बचा, 4 × 6 = 16 और 4 × 6 = 16 हो गया और फिर 4 × 9 = 4 हो जाएगा तो 641 आ जाएगा दोस्तों। 641 मैंने पॉइंट एक रख दिया, कहीं से गुणा उड़ा करने में गलती हो गई होगी तो गुणा करके फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 12 × 2 = 24 हासिल लग गया हमारा 2, 12 × 7 = 84, 85 = 86 यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 86 आ जाएगा, ये गलती हम लोग कर रहे थे, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 86। इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, फिर से आप देखें यहाँ से दोस्तों जब इसको आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारा देखिए क्या बन जाएगा, तो ये अब ऐड करिए दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 4 बन जाएगा, 6 × 2 = 8 बन जाएगा और 8 × 8 = 16 और 1 × 1 = 2। अब दोस्तों बटे 40 कर देंगे तो ये 4 से इसको जो हम कट करेंगे पूरे को तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 2 बचा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 4 × 9 = 4 तो फाइनली जो हमारा आ गया 671, एक अंक बाद दशमलव रख देंगे दोस्तों तो 67.1 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 32 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, लड़कों के औसत अंक 75 और लड़कियों के औसत अंक 82 हैं, तो पूरी कक्षा के अनुमानित औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले 4, 5, 9 तो ये 9 बराबर हमारा हो जाएगा 45 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 5 के। जब 1 बराबर हमारा 5 के आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले बॉयज़ दिया गया है और फिर हमारा गर्ल्स दिया गया है, तो जब 1 बराबर 5 के तो 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 के, और 5 बराबर 5 के तो मतलब 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 के। तो ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या हमने निकाल लिया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो एवरेज आप हम बॉयज निकालने जा रहे हैं, तो लड़कों का औसत 75, लड़के कितने हैं हमारे दोस्तों यहाँ पे 20 लड़के हैं, तो 75 × 150 यानी कि 150 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो अब एवरेज आप हम गर्ल्स का निकालें तो गर्ल्स का एवरेज बताया गया है 82 और इनकी संख्या बताई गई है दोस्तों 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 × 50 हो जाएगा, 50 में कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 5 और 25 × 8 = 200, 205 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों 205 बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों इनका हम टोटल कर लेंगे, जब टोटल निकालेंगे टोटल एवरेज बॉयज और गर्ल्स का तो ये हो जाएगा हमारा 21 × 2200 बन जाएगा, टोटल योग करने पे कितना आ जाएगा 2200 और टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों हमारा, टोटल बच्चे हमारे 45, तो हमने यहाँ पे 45 का भाग दे दिया। अब दोस्तों 45 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5 × 9 = 45, 5 × 20 फिर 5 × 20, 9 से भाग देंगे
नौ पना 45 ज़्यादा हो जाएगा, नौ चौको 36 हो जाएगा। अच्छा फिर से यहाँ दोस्तों देख लीजिएगा, फिर कुछ गलती बन गई क्या यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि मैच नहीं रहा हो रहा। 5 9 45, 5 चौको 20, 5 चौको 20 440 हो गया। अब अगर इसको हम 45 हमारे टोटल बच्चे थे दोस्तों, यहाँ पे 2050 और यहाँ पे हमारा आ गया 75 दूना 150, और एक जीरो यहाँ पे हमने फिर गलती कर दिया बढ़ाने पे। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 2 1 3000 हो जाएगा, 3550 बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा हमारा 3550। अब 3550 को अगर 9 से कट करेंगे तो पाँच नहीं नौ नौ पना 45 और 9 3 27 और 27, 5 से आप इसको कट कर दीजिए दोस्तों, देख लीजिएगा मैं इसको 5 से कट कर दे रहा हूँ। 5 से अगर आप कट करते हैं तो 5 9 45, 5 7 35 और 5 1 5, 5 0 0, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 6 54, 9 7 63, कितना हो जाएगा 9 7 63, 8 5 80 हो गया, 80 हो गया तो 9 8 72, 9 8 72, 8 5 फिर 80 हो गया, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72 समथिंग इतना आएगा। जब दोस्तों जब इतना आता है तो इसको आप लिख सकते हैं 78.9 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 33 के बाद 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था, लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? हमको लड़कियों का औसत स्कोर बताना है, 25 टोटल छात्र बताए गए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर दोस्तों कितना था, तो 18, तो हम निकालने जा रहे हैं एवरेज ऑफ बॉयज, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई दोस्तों 15, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 9 3 27, यानी कि 270 हो जाएगा। अब जबकि समग्र कक्षा में 25 छात्रों का औसत, तो यानी कि यहाँ पे हम बॉयज और गर्ल्स दोनों का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 25 छात्र बता दिए गए और यहाँ पे 16.12 इनका एवरेज बता दिया गया। तो अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 25 दूना 50 की जीरो हो जाएगा, हासिल लग जाएगा दोस्तों हमारा 5 25 56 25, 35 की फिर जीरो हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 203, 25 6 150, 150 में 3 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, 153 की हो जाएगा हमारा 3 और हासिल लग गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 15। अब 25 51 25, अब 25 15 जुड़ेंगे 30 10 40, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा ये 40। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितने अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव हो गया। अब दोस्तों 403 ये हो गया। अब कहा गया लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए, तो अब हम 403 से 270 को जब कम करेंगे दोस्तों, 70 30, यानी कि 130 133 बचा, ये 133 बटे लड़कियां कितनी हो जाएंगी, हम एवरेज आप गर्ल्स निकालने जा रहे हैं। टोटल हमारे पास बच्चे 18 लड़के थे और टोटल 25 ये थी लड़की, टोटल बच्चे 25 हैं और जिसमें से 18 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 5 2 7 आ जाएगी, 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 1 7 हो जाएगा, और बचा हमारा कितना दोस्तों यहाँ पे 3 3 6 7 9 63, तो 19 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 34 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है, उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, ये बात बतानी है। एक छात्र 5 विषयों में प्राप्त औसत यानी कि A5, यानी कि 5 विषयों का एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो 75 मल्टीप्लाई 5, तो हो जाएगा कितना दोस्तों हमारा 5 5 25 की 5, 5 7 35 2 37 375 आ गया। अब कहा गया है कि पहले 2 का अगर हम एवरेज निकालें तो पहले 2 का 65 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा, और अंतिम 2 का अगर निकालें हम अंतिम 2 का, तो ये दिया गया है अंतिम 2 का 85 मल्टीप्लाई 2, तो
कितना हो जाएगा, 85 जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बन जाएगा दोस्तों 8 × 2 = 16, 170 बन जाएगा। अब कहा गया तो उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, टोटल 5 विषय थे, तो ये स्टार्टिंग के, ये स्टार्टिंग के हैं, स्टार्ट का है, ये एंड का है, तो ये एंड के हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 130 है और 170 कितना हो जाएगा 200, 300 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों 300। तो अब ये 300 का हम जब 375 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा 75 आ जाएगा। तो हमको क्या, उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, 75 अंक प्राप्त हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं, तो पूरी कक्षा का औसत अंक दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 3×2 = 5, जब ये 5 बराबर हमारा 50 के तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 10 के, जब 1 बराबर 10 के तो यहाँ पे ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे हाँ बॉयज हो जाएंगे 20 और गर्ल्स हो जाएंगी 30। अब हमको निकालना है बॉयज, बॉयज का दोस्तों हो जाएगा 20 बॉयज हैं और इनके एवरेज बता रखा 60, तो 60 मल्टीप्लाई दोस्तों 20 प्लस का 70 मल्टीप्लाई यहाँ पे 30, टोटल पूछा है, टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 50, तो अब यहाँ पे 6×2 = 12 या 1200 हो जाएगा, और 7×21 = 21 हो जाएगा बटे यहाँ पे 50, अब 21, 22, 23, 23, 10, 3300 हो जाएगा, ये कितना बन गया दोस्तों हमारा 3300 बटे यहाँ पे 50 बटे कितना है दोस्तों 50, ये था हमारा 33, 10 से 10 काट दिया, 5 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 5×6 = 30, 5×6 = 30, फाइनली 66 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 36 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंकों की वृद्धि हो गई, उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब जब टोटल छात्र कितने हो गए होंगे, टोटल पहले 19 थे, अब एक और छात्र शामिल हो गए तो 20 छात्र हो गए होंगे, तो ये 20 छात्रों को 1.5 अंक अधिक मिलने लगे, तो कितना हो जाएगा 15×2 = 30, यानी कि ये हो जाएगा एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यानी कि 30 अंक अधिक प्राप्त करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 हैं, रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं, सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सुवीर जो है, सुवीर हमने एस बना लिया, तो सुवीर का हम एवरेज निकाल रहे हैं, सुवीर का योग निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा औसत अंक 29 है, तो ये हमारा 29 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, तो यहाँ पे 15×45 = 450, तो 450 में 15 हम कम कर देंगे तो आ जाएगा 435, 35 या गुणा कर लीजिए तो 15×9 = 135 = 5 हासिल लग गया दोस्तों हमारा, कितना 3×15×9 = 135 = 5 हासिल लग गया दोस्तों 13×15×9 = 30, 30×3 = 33, 10×43 यानी कि 435 आ गया। अब कहा गया कि लेकिन अब तक रुचिरा जो है, रुचिरा जो है अब तक टोटल 11 परीक्षाएं दिया है और उसका एवरेज 27 का है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7×2 = 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 297 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये रुचिरा को सुवीर के बराबर औसत पाने के लिए उसको अभी मतलब कितने अब शेष एग्जामों में कितने अंक और अर्जित करना पड़ेगा, कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ पे देख लीजिएगा 15 परीक्षाओं में सुवीर ने इतना अंक दिया, ये 15 परीक्षाओं में, ये 11 परीक्षाओं में, तो 4 परीक्षाएं बाकी हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे 5 से 7 नहीं कटेगा, हो जाएगा 15, 15 से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इधर बचा हमारा 12, 12 से 9 घटाएंगे दोस्तों तुम्हारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे बचा हमारा 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 138 हो जाएगा ये दोस्तों, 138 बटे हमारा कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4×3 = 12, 1 यहाँ पे हो गया 18, 4×4 = 16
17, 18, 2, 4, 5, 20, 34.5 अंक और प्राप्त करने होंगे, यानी कि देखें तो 38 का बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। 7 पहले छात्र थे, अब एक छात्र और हो गया, तो टोटल हो गए 8 छात्र, और 8ों छात्रों में समूह के औसत अंक में 2 तक की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 2 यानी कि टोटल 16 अंक बढ़े। ठीक है, आगे क्या कहता है, कह रहा प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो इस छात्र ने 16 अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 39 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 39 के बाद हमारा 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है, यदि दो और छात्र जिनका औसत 85.5 है इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि दो और छात्र जिनका औसत 85 पॉइंट कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 85.5 दिया गया है, तो मान लीजिएगा अब ये जो 85.5 दिया गया है तो इनका एवरेज हम पहले 35 एक कक्षा 35 छात्रों का, तो एवरेज अब हम 35 छात्रों का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई दोस्तों 35 कर देंगे, 63 मल्टीप्लाई 35 जब हम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2205 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 2205 आ जाएगा। फिर कहा गया दो और छात्र शामिल हो जाएं, तो अब जो छात्र हैं अब 35 बजाय 37 छात्र हो जाएंगे, तो इनका एवरेज कितना हो जाता है 85.5 हो जाता है जब 37 छात्र होते हैं तब। अब इनका आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा दो छात्रों का, अच्छा ये कहा गया है कि यदि दो और छात्र जिनका औसत, दो और छात्र दोस्तों थोड़ा सा गलती कर दे रहे हैं, यहाँ पे केवल दो ही छात्रों का बताया गया है, तो दो छात्र और शामिल कर लिए जाते हैं, तो यानी कि ये दो छात्रों का औसत ये है 85.5 है, तो इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 171 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 171 हो जाएगा .0। तो अब हमको ये पूछा गया इसमें इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत ज्ञात कीजिए, तो नया एवरेज हमको निकालना है, तो टोटल हमारे पास कितने बच्चे हो जाएंगे 37 बच्चे हो जाएंगे, और ये 2205 में जब हम ये 171 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे ये 2376 बन जाएगा, 2376 बन जाएगा, अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा 35, तो 37 बच्चे हो जाएंगे। अब जब दोस्तों इस 37 से इसको आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64.21 आ जाएगा। अब 64.21 जो है दोस्तों आप उसको 20 भी कह सकते हैं, यानी कि फाइनली हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा इसके हमारा ये ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर इतना हो जाता है, भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, पहले ये तीन भाषाओं का अगर हम एवरेज निकालें, ये तीन एवरेज क्या निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, इनका योग निकालेंगे, तीन विषयों का अगर योग हम निकालें तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनका ये 89 × 3 कर देंगे, जब 89 × 3 करेंगे दोस्तों तो हमारा फाइनली आ जाएगा कितना 267 आ जाएगा। बाद में कहा गया यदि इसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, यानी कि एक विषय और शामिल कर दिया जाता है तो इनका एवरेज घट करके 88.2 हो जाता है, अब विषय कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, तो इन चारों का निकालेंगे तो हो जाएगा 353 हो जाएगा, 353 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 353 हो जाएगा तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे, ही कहा ना उसके द्वारा प्राप्त अंक, भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिएगा, तो अब हम क्या करेंगे ये 13 से 7 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 6 बचेगा, और फिर इधर हमारा बचेगा कितना दोस्तों, हमारा 4 बचा, 4 से हमारा 6 नहीं घटेगा, हो जाएगा 14, 14 से 6 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा, इधर 2 से 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो फाइनली हमारा भाषा द्वारा उसके प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 86 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 42 नंबर में कहा गया कि पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 किलोग्राम है, यदि पी और क्यू का औसत भार 54 किलोग्राम है और क्यू और आर का औसत भार 48 किलोग्राम है तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा,
प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का औसत भार दोस्तों कितना दिया गया है? 58। तो 58 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 3 अठे 24 हो जाएगा, 24 के रख देंगे दोस्तों 4, और फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 24 के हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, और 4 के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3 3 8 24 की 4 हाँ से लग जाएगा हमारा 2, और 3 5 15 2 17 ये आ गया। फिर कहा गया है कि यदि P तथा Q का औसत भार, यहाँ पे P और Q का औसत भार कितना बताया गया है, 54 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 54 दूना हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 54 दूना हो जाएगा 108 हो जाएगा, तो हमने 108 रख दिया। फिर कहा गया है Q और R, तो हमने Q प्लस R को क्या कर दिया यहाँ पे, 48 दिया गया, 48 मल्टीप्लाई 2, 48 दूना हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। अब 96 हो गया, अब यहाँ पे हम दोस्तों क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखते हैं कहा गया कि Q का भार, हमको Q का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, Q का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो Q का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे P और R, तो P और R, तो सबसे पहले अगर हम देखें P प्लस Q हमको निकालना किसका है, यहाँ पे R का निकालना है हमको, Q का ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं ये P प्लस Q का वैल्यू हम इस जगह पे समीकरण एक में रख दें, तो इसका आया 108। जब दोस्तों इसको 108 रखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे हम रख देंगे 108 रख देंगे, और 108 रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लस का R और बराबर यहाँ पे हम कर देंगे कितना हमारा दिया गया 174। अब दोस्तों यहाँ पे ये R बराबर निकालेंगे तो 174 माइनस का 108 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 14 से 8 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे हमारा बचा कितना दोस्तों 6 बचा, 6 से 0 घटा देंगे दोस्तों 6 ही आ जाएगा और 66 आ जाएगा। तो R की वैल्यू हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, R की वैल्यू हमारी 66 आ गई। हमको Q का भार ज्ञात करना है, तो अब ये समीकरण थर्ड में यहाँ पे हम रख देंगे Q R का मान, तो ये Q रख दिया, R का मान इसी पर रख देंगे जब 66, अब ये इधर हमारा 96 है, तो 96 से आके इधर 66 घट जाएगा, तो 6 से 6 घटाएंगे 0, 9 से 6 घटाएंगे 30, तो Q का भार हमारा आ जाएगा 30 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा 42 के बाद 43 नंबर दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम है, 104 ग्राम के रूप में की गई थी, ठीक है। 10 सेब हैं, 10 सेबों में से बताया गया कि एक सेब का वेट बता दिया गया कि 104 औसत भार उसका कितना है, 104 ग्राम के रूप में की गई है। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया, यानी कि जो उसका तौल था, तौल वाला बांट था, वो क्या करता है, प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाता है। जब 20 ग्राम दोस्तों कम दिखाएगा तो कहा गया है उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार ज्ञात कीजिए। अब हमको एक उसका सही औसत भार ज्ञात करना है। अब जब दोस्तों थोड़ी देर के लिए अगर आप समझेंगे तो अगर ये औसत भार पहले 104 था एक सेब का, अब 20 कांटे में क्या किया गया, 20 ग्राम कम तौल के दिया गया, ठीक है ना। तो यही 20 ग्राम जब एक सेब में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 124 ग्राम बन जाएगा। तो ये तो पूछा है कि एक सेब का सही औसत भार कितना होगा। मान लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा कहा गया है कि पहले एक सेब का औसत भार 104 ग्राम है, बाद में कहा गया कांटे में यानी तौलने में एक सेब में 20 ग्राम कम तौल के दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार बताइए, सही औसत भार हमारा क्या हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा वेट दिया जाने लगेगा तो ये पहले 104 था, 20 और बढ़ के मिलने लगेगा, यानी जो 20 ग्राम कम तौल कर देता है ये बन जाएगा 124 ग्राम। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा 43 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 के बाद दोस्तों 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि ए बी सी और डी का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि ए बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है, सी और डी का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख लीजिएगा, ए बी और सी प्लस डी का औसत भार 56 मल्टीप्लाई 4, 56 मल्टीप्लाई 4 बोले तो दोस्तों 4 6 24 की 4 हासिल लग जाएगा हमारा 2 4 5 20 2 22, यानी कि 224 हो गया। अब कहा गया ए बी सी का, अब यहाँ पे ए बी और सी का औसत भार 52 यानी कि 3,
तो हो जाएगा 156 हो गया। कितना हो गया दोस्तों हमारा 156 हो गया। अब और देखेंगे तो हमारा सी डी, अब यहाँ पे सी प्लस डी का औसत भार कितना बताया गया, 48 मल्टीप्लाई दो, 48 दूना 96 हो गया। अब दोस्तों हमको यहाँ पे कुल मिला के निकालना क्या, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करें, ये ए बी सी का मान हम यहाँ पे समीकरण एक में रख दें तो डी का मान निकल आएगा, जब डी का मान निकल आएगा तो यहाँ पे डी का मान रख देंगे तो सी का मान हमारा निकल आएगा। तो चलिए हम यहाँ रखे दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जब रखेंगे 156 प्लस का डी बराबर यहाँ पे 224, तो डी बराबर आ जाएगा 224 माइनस का 156, घटाएंगे दोस्तों 14 से 6 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 4 4 8 बच जाएगा, इधर हमारा 11 हो गया, 11 से 5 घटाएंगे दोस्तों 6 बचेगा और हमारे ये 68 आ गया। डी का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, हमारा डी बराबर यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 68। कितना आ गया दोस्तों, डी का हमारा आ गया 68। अब ये डी का मान हम समीकरण थर्ड में रख दें तो ये सी प्लस डी यानी कि 68 बराबर 96, तो सी बराबर 96 माइनस का 68। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 68 69 70 70 70 26 26 27 28 28 आ जाएगा हमारा सी का वैल्यू, यानी कि 28 के जी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 के बाद दोस्तों हम 45 नंबर देखें तो 45 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था, व्यक्ति द्वारा दोनों महीने में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए, अगर जनवरी माह में 4 पैकेट मिलते हैं जिनका औसत भार 300 होता है तो 400 मल्टीप्लाई 300 प्लस फिर फरवरी में 8 पैकेट मिलते हैं जिनका औसत भार 400 होता है, बटे दोस्तों कितना कर देंगे 4 पैकेट प्लस का 8 पैकेट। अब दोस्तों इनका टोटल एवरेज हम निकाल रहे हैं, टोटल एवरेज तो ये 4 × 3 = 1200 हो जाएगा और यहाँ पे 8 × 4 = 3200 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 32 12। 32 में हम जब जोड़ेंगे 3200 में 1000 जो 4200 हो जाएगा, 4200 में 200 और जोड़ देंगे दोस्तों 203 × 4 = 4400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4400 बटे दोस्तों 12। 12 से अगर इसको कट करें दोस्तों तो यह आ जाएगा 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 हो गया, बचा हमारा दोस्तों कितना 4 × 4 = 8 हो गया 80, 12 × 6 = 72 हो जाएगा, फिर हो गया 80, 12 × 6 = 72, फिर मतलब समथिंग दोस्तों 366.66 आता रहेगा। 366.66 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हम लिख सकते हैं 366.67 ग्राम लिख सकते हैं, यानी कि जब बार बार 6 आए 5 से ऊपर आता है दोस्तों ये एक ऐड कर लिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 366.6 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 45 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 के बाद 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है, यदि इनमें से किसी अन्य वस्तु एक्स का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, वस्तु एक्स का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25 वस्तुओं का भार दोस्तों देख लीजिए, 25 वस्तुओं का भार यानी कि 50 केजी है तो ये बन जाएगा 25 × 5 = 125, यानी कि 1250 केजी हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी अन्य वस्तु एक्स का भार शामिल किया जाए, तो ये दोस्तों जब एक्स का भार जब 25 वस्तुओं में आप शामिल कर देंगे तो अब हमारे पास कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, टोटल 26 वस्तुएं हो जाएंगी। अब ये 26 वस्तुओं में हमारा 500 ग्राम हर बार बढ़ेगा, ये 500 ग्राम हमारा हर बार बढ़ेगा तो टोटल कितना आ जाएगा, ये देखिए 500 ग्राम बढ़ेगा और 26 वस्तुओं हैं तो ये आ जाएगा 13 13 आ जाएगा, 13 केजी आ जाएगा, ये 1300 ग्राम बनेगा, 1300 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 13 केजी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको बात ये बतानी थी, कह रहा 500 ग्राम तक बढ़ जाता तो वस्तु एक्स का भार ज्ञात करना है, तो वस्तु एक्स का भार अगर हम निकालें तो 50 60 63 केजी आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, यानी कि थोड़ी देर के लिए अगर आप समझें, आप ऐसे समझ लें तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिएगा, देखिए 25 वस्तुओं का औसत यानी 25 व्यक्तियों को 50 50 किलो का कुछ अन्य मिलता है, मान लो 50 केजी का कुछ सामान मिलता है, बाद में एक
एक और व्यक्ति यानी एक शामिल हो जाता है, जब वो शामिल हो जाता है तो पचासों व्यक्तियों में क्या होता है, अब 25 के बाद एक 25 के बाद एक 26 व्यक्ति हो जाएंगे, जब 26 व्यक्ति हो जाएंगे 2600 व्यक्ति को 500 ग्राम अधिक मिलने लगेगा, यानी 2600 व्यक्तियों को 50-50 के जी तो मिल ही रहा है, अब प्लस 50 500 ग्राम और अधिक मिल जाएगा तो 26 व्यक्तियों को 500 ग्राम मिलेगा अधिक तो 13 किलो और अधिक हो गया, तो 50 में जब हम 13 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 50 केजी तो वो था ही सबके लिए, अब प्लस 13 केजी ये और ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 63 केजी, तो एक्स का भार कितना आ गया, एक्स का भार आ गया 63 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 केजी है, यदि इनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार इतना है तो 6वें बच्चे का भार ज्ञात कीजिए, तो 5 बच्चों का हम क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे, तो 5 बच्चों का जब योग निकालेंगे तो हमने प्लस बना दिया, 5 प्लस बना दिया तो 5 बच्चों का योग निकल रहा है, तो यहाँ पे 14 19 23 21 और यहाँ पे 13 इनको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 90। अच्छा है, बच्चों का एवरेज आप निकालेंगे, एवरेज आप मतलब 6 बच्चों का योग ही आप फिर निकालने जा रहे हैं, 6 बच्चों का योग निकालने जा रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा, ऐसा करिएगा आप इसको थोड़ा सा साफ करके साफ सुथरा लिखिएगा, 6 बच्चों का अब योग हम निकाल रहे हैं तो 6 बच्चों का योग निकालने के लिए ये दिया गया 17.5 मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 5 = 30 और 6 × 7 = 42, 42 × 3 हो जाएगा 45 और 4 और 6 × 6 = 10, 1 अंक 2 दशमलव, तो 105 हो गया। अब दोस्तों 6वें बच्चे का भार निकालेंगे तो इस 105 से हम 90 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15 बचेगा, 15 केजी हमारा 6वें बच्चे का भार निकल आएगा, तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 के बाद 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत 41 किलो है, 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है, पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया, नया औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 42 लड़के हैं और इनका वजन 41 किलो है, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1722 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 1722 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इस 1722 में हम, इसने कहा 39 किलो के वजन वाले एक लड़का कक्षा में शामिल होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 39 किलो का लड़का शामिल होता है, तो दोस्तों ये 1722 तो पहले था इतने का, जब इसमें 39 किलो का लड़का एक शामिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा, अब इसको जब ऐड कर देंगे दोस्तों बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1761, 9 2 11 3 2 5 1 6 और 17 वैसे ही, तो ये आ गया 1761 हो गया। अब कह रहा एवरेज ज्ञात कीजिए, हम नया एवरेज नया औसत निकालने जा रहे हैं दोस्तों, नया औसत, अब ये कहानी और कही गई है, अब नया औसत 1761 हमें लिख लिया, इसने कहा है कि नए हाँ पहले से उपस्थित जो एक लड़का होगा उस लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर गलती से हमने 34 किलो गिन गया था, यानी कि इसमें हमने कितना, इसमें हम क्या करें, 43 किलो वजन रहा होगा, उस 43 किलो को हमने गलती से, लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर हमने 34 किलो ऐड कर लिया, यानी कि 43 किलो था, हमने उसको 43 ना लिख करके उसको 34 किलो, तो दोस्तों आप देखें 43 था हमने 34 किलो उसको गिना तो कितना कम गिना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा जितना कम गिना हो तो उसमें ऐड कर दीजिए, या फिर 43 और माइनस 34 कर दीजिएगा, अपान कितना कर देंगे तो टोटल बच्चे कितने दोस्तों हमारे 42 लड़कों का औसत था, एक लड़का बाद में शामिल हुआ तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 43 बच्चे हो गए। अब क्या करेंगे, इन सबको 43 में जोड़ करके 34 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1770 आ जाएगा, बटे कितना हमारा 43 आ जाएगा, 43 से इसको जब कट करेंगे दोस्तों तो हमारा फाइनली आ जाएगा 41.16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है, यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है,
कक्षा अध्यापक का वजन कितना रहा होगा। अब मौखिक क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। एक कक्षा में टोटल कितने छात्र थे, पहले 30 छात्र थे। अब जब ये 30 छात्र थे तो 300 छात्रों को हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 300 छात्रों को 15-15 किलो का सामान मिलता है, ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा। बाद में क्या होता है कि एक अध्यापक भी शामिल हो जाता है, तो अध्यापक को भी 15 किलो ही मिलेगा, और उसके बाद 1 किलो वजन बढ़ जाता है। जब 1 किलो वजन बढ़ जाएगा तो 300 छात्रों में एक एक किलो बढ़ेगा तो 30 किलो यानी बढ़ जाएगा, तो 30 किलो हमने ये बढ़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 30 नहीं, अब यहाँ पे 31 हो गए हैं, कितने हो गए हैं 31 हो गए हैं, तो यहाँ पे आप इसको 31 से गणना करेंगे, ठीक है ना, 31 किलो। अब इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो यही अध्यापक की उम्र आ जाएगी, 5 1 6 3 1 4, टोटल अध्यापक की उम्र कितनी हो जाएगी 46 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 49 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 15 किलो है, यानी कि टोटल एक कक्षा में 30 छात्र थे और 300 छात्रों को मान लीजिएगा 15-15 रुपया दिया गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, उसमें अध्यापक को शामिल तब नहीं किया गया था जब 15-15 रुपए बांट दिए गए, तो अब बाद में जब अध्यापक को उस कक्षा में शामिल, उसी बच्चों के ग्रुप में शामिल कर दिया गया, तो कह रहा कि सभी बच्चों में एक एक रुपए की और बढ़ोतरी हो गई। जब एक एक रुपए की और बढ़ोतरी हो गई, यानी कि टोटल कितने मतलब जब वो टीचर शामिल होगा तो पहले तो 15 रुपये वो अपने लिए ले ही लेगा, सबके बराबर पहुंचने के लिए सबको 15-15 पहले मिल चुके थे, तो 15 रुपये पहले वो अपने आप ले लेगा, तो ये 15 रुपये टीचर ने ले लिया, तो ये 15 हमने वो लिख दिया। अब फिर बाद में क्या करेगा, अब अपने को लेकर के टोटल 31 ग्रुप में व्यक्ति हो जाएंगे ना, उन 31ों को एक एक रुपया जब देगा, तो ये उन 31ों को एक एक रुपया दिया, तो अब टोटल इसको कर लेंगे कितना हो जाएगा 46, तो यही हमारे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, और ये आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। तो पहले कहा गया है इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, तो अब दोस्तों ये 39 मल्टीप्लाई जब 8 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 312 वर्ष बन जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया है यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद ले लेता है, अब से 10 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद और 10 वर्ष बाद, इनका डिफरेंस दोस्तों कितना आया 4 वर्ष, तो बच्चे की आयु कितनी निकल आई, यहां से अगर हम देखें तो बच्चे की आयु हमको पता चल गई, बच्चे की आयु यहाँ पे आ गया 4 वर्ष हो गया, बच्चे की आयु कितनी हो गई 4 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि अब हमको निकालना पूरे परिवार की कुल आयु ज्ञात करनी है, ये कहा ना 10 वर्ष परिवार की औसत आयु क्या होगी, हमको पूरे परिवार का निकालना है, तो पूरे परिवार का निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ये 312 हमारा ये रख दिया जाएगा, अब प्लस का दोस्तों ये 4 वर्ष का बच्चा रख दिया जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा 8 सदस्य है और 10 वर्षों के बाद, तो ये 8 सदस्य हैं 10 वर्षों के बाद, इतना कर देंगे अपान कितना कर देंगे, टोटल दोस्तों हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 और एक नवजात बच्चा आ गया है तो 9 हो जाएंगे, तो ये हमारा पूरे परिवार का एवरेज निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा इस जगह पे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस जगह प्लस करना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब दोस्तों इसको आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 312, अब प्लस का 4 और 10 8 80, तो फाइनली आ जाएगा ये हमारा, इनको ऐड करने पे आ जाएगा 396 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 396 हो जाएगा, बटे दोस्तों कितना कर देंगे 9, अब इसको अगर कट करेंगे आप इसके भी बटे हमारा 9 होना चाहिए, 9 चौक को 36, टोटल आ गया दोस्तों 44 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।